नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जांजगीर जिले में डकैती की एक बड़ी घटना सामने आई है। अगलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमी में संचालित देसी विदेशी मदिरा दुकान में 7 से 8 नकाबपोश युवक घुसे और चौकीदार की आंख में मिर्च डालने के साथ ही चाकू अड़ाकर 2,27,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले में आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई न कोई घटना घट रही है जिससे लोगों में दहशत का माहौल निर्मित हो रहा है। अगलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमी में संचालित देसी विदेशी शराब दुकान में आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश लुटेरे घुसे और चौकीदार की आंखों में मिर्च डालने के साथ ही चाकू अड़ाकर 2,27,000 रुपए लूटकर फरार हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को उखाड़कर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी चौकीदार ने अगलतरा थाना प्रभारी को दिए। सुख सागर पाटले का हो रही घटना बता दे। मैं है ना दुर्गेश के मोबाइल में 2:30 बजे वीडियो देखा रहे हूँ। 10-11 जी नहीं से ओकर बाद पाउडर मिर्चा पाउडर ला आँख में छींचे प्रयास करी। मैं टंगा मारे टंगा की पीछे का ढंगी रहा तो मैं हाथ ला परी नीचे का गिर गया आधा हाथ में गिरी से ओकर बाद तुरंत मुँह में टेप लग उमेर दी से और हाथ ला बांध दी से ओकर बाद लौका ला पूछी से लौका ला पूछी से तेकर बाद मैंने बताया दुर्गेश यादव बताई से देसी में रखे के तेकर बाद मतलब देसी भट्टी अंदर ले गई से अंदर में बैठाई से ओकरा मुँह तोड़े के चालू करी से पूरा पारिक पारिक तोड़ गई से ओकर बाद टूटे के बाद वो मन फिर बाहर निकाली सोला ओकर बाद मतलब बाहर से लेके अंग्रेजी भट्टी में अंदर ले लॉक करके बाहर निकल गई। और फिर दुर्गेश कहाँ रही जब तो अंदर बंद करी तब पता नहीं। सूचना मिली है कि 5 से 6 व्यक्ति कुटमी शुमार के देसी और विदेशी शराब भट्टी में जाकर डकैती किए हैं। सागर पाटले ने एफआईआर दर्ज करवाया है। 5-6 लोग जाके उनके भट्टी में घुस के तोड़फोड़ किए हैं और वहाँ से रखे पैसे वो 2,27,000 रुपये आसपास वो डकैती करके ले गए हैं। घटने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है। गार्ड का कहना है कि हम लोग दो लोग थे, एक साथ में यादव लड़का था, दोनों हमेशा की तरह वहाँ गार्ड की ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं और 3:30 बजे के आसपास में बल्क में 5 से 6 लोग आए और आने के बाद में हमको हमला किए। हमला करने के बाद हमसे तिजोरी और लॉकर के संबंध में पूछताछ किए। पूछताछ करने के दौरान में इनके पास में जो हथियार थे उनसे धमकी दिए कि अगर नहीं दोगे तो हमसे